दिल्ली में हवा की गुणवत्ता के बिगड़ने पर कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पिछले 10 वर्षों में गोपाल राय और दिल्ली के सीएम ने क्या किया है। दिल्ली में प्रशासन, शासन और वायु प्रदूषण लगातार बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ नाटक कर रही है। दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी सरकार और भाजपा के बीच झगड़े में पीड़ित है। घिसी पिटी बातें, घिसी पिटी बयान और वही 10 साल से चलती आ रही बहानेबाजी। गोपाल राय जी हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुझे ये समझ नहीं आता कि पिछले 10 साल में इन्होंने दिल्ली में एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या कार्य करे हैं। 2013 में दिल्ली में एयर पोल्यूशन नहीं हुआ करता था। ऐसा क्या हो गया कि 2013 से लेकर 2024 तक दिल्ली के अंदर गवर्नेंस भी वेरी पुअर हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन भी वेरी पुअर हो गई और दिल्ली का जो माहौल है स्पेशली एयर पोल्यूशन से रिलेटेड वो भी फ्रॉम वेरी पुअर टू पथेटिक पर पहुंच जाता है। दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पाते और ये लोग इस समय आएंगे ड्रामा करेंगे कि हमने हॉटस्पॉट लगा दिए, हमने अखबार में ऐड दे दी, हमने वादे किए थे। केजरीवाल जी की पुरानी स्पीचेस को हर गली में चलाना चाहिए। किस तरीके से केजरीवाल जी कहते थे मुझे 2 साल दो मैं यमुना को साफ करके अंदर डुबकी मारूंगा। डुबकी तो दूर, वो यमुना के आसपास भी नहीं दिखाई दे सकते और अब फिर से बड़ी बातें करेंगे। और उसी समय जो केंद्र सरकार है, क्योंकि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर का बहुत बड़ा रोल होता है, दिल्ली की होम मिनिस्ट्री दिल्ली को डायरेक्टली वॉच करती है, 7 सोए हुए सांसदों की भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो 6 सांसद बदल दिए, परंतु क्या वो दिल्ली के एयर पोल्यूशन को बदल पाए, रोक पाए, इसका जवाब ना है। उनके सांसदों ने काम नहीं करा, उनकी टिकट काट दी, परंतु दिल्ली को कौन संभालेगा। इन दोनों की लड़ाई में दिल्ली के लोग इस गंदी सांस को लेकर घुट रहे हैं।